बच्चों देखो हमने क्या किया है, सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए हैं। अब हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखो कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो इस चैप्टर के हैं जो मुझे मिले हैं, मैं सारे के सारे कलेक्ट करके लाई हूँ, आपको एक वीडियो में सब मिल जाएगा, तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। पहला क्वेश्चन है देखो, Na2O का फॉर्मेशन बताना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से। ये जब मैं आपको मेटल ऑक्साइड पढ़ा रही थी तब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था ना आपको। तो देखो क्या है, Na2O का फॉर्मेशन हमको बताना है। तो देखो सोडियम जो है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कितने टू इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो क्या बना पाए, O2 नेगेटिव बना पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम Na2O का तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, N2Na++O2- नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो अब हमको क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप क्या करो, दो सोडियम ले लो, दो सोडियम लेके ये Na प्लस बना लेगा फिर से इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा आपका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और O2 नेगेटिव बना लेगा। तो यहाँ से आपके पास दो आयन मिल गए, टू Na प्लस मिल गया प्लस O2 नेगेटिव मिल गया। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो आप क्या लिख सकते हो, Na2O लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, सो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। देखो ये भी और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो उससे भी सिंपल, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है। देखो आपको पता है मैग्नीशियम कैसे टूटेगा, Mg2++2O2-। तो देखो हम क्या करें, आप मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 282। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 12। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, 282। आप देखो मैग्नीशियम का एक बार ऑक्टेट कंप्लीट है तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ेगा, और जब टू इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, Mg2++2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर वही टू इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगी और क्या बना लेगी, O2-। अब हमारे पास ये बन गया, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, MgO। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन दिखानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द आयनिक कंपाउंड्स, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। देखो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि जिसमें कि टू आयंस, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, है ना, ऐसे लिखे टू आयंस, दो ये वाला बॉन्ड क्या कहलाता है, दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। व्हाट इट बी कॉल्ड, इट बी कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ओके, सो इफ ए प्लस एंड बी माइनस इज देयर, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड योर आयोनिक कंपाउंड। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट अपने को पता है सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ऐसे ए बी A, B, A, B. ये बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो क्या होता है, तब उस टाइम पे हम इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, और आपको मैंने सिखाया है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट होती है। तो इसलिए क्या होता है, इनके सॉलिड स्टेट में इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्री टू मूव। सो दैट्स व्हाई क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ये बात, बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ थ्री मेटल पी क्यू आर। ओके, हमारे पास तीन मेटल है, पी है, क्यू है और आर है। वो क्या बोल रहे हैं, पी इज लेस रिएक्टिव देन क्यू। ठीक है, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि जो आपका पी है वो लेस रिएक्टिव है क्यू से। ओके, एंड आर इज मोर रिएक्टिव देन पी, आर इज मोर रिएक्टिव देन पी एंड क्यू बोथ, आर इज मोर रिएक्टिव देन पी एंड क्यू बोथ, मतलब आर जो है क्यू से भी ज्यादा रिएक्टिव है और पी से भी ज्यादा रिएक्टिव है। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू अरेंज पी क्यू आर इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। मतलब आपको क्या करना है, इनको ऐसे अरेंज करना है कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिक्रीज हो जाए। तो देखो आपको पता है
कि क्यू ज्यादा रिएक्टिव है पी से और क्यू से ज्यादा रिएक्टिव है आर। बस सिंपल है, पी जो है वो लेस रिएक्टिव है किससे, क्यू से भी और आर से भी, तीनों में वो दोनों से कम रिएक्टिव है, मतलब पी तो सबसे नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद देखो, अब हमको देखना है आर और क्यू में, तो आर जो क्यू है वो लेस रिएक्टिव है किससे, आर से, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव है पी से, तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा, क्यू, और सबसे रिएक्टिव कौन है, देखो आर पी से भी रिएक्टिव है, क्यू से भी रिएक्टिव है, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, आर। तो ये हो जाएगी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहले आर, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ओर ऑफ मरकरी विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। देखो मरकरी का जो ओर होता है वो कौन सा होता है, हम बोलते हैं सिनाबार, मतलब क्या, HGS, इसको ही बोलते हैं सिनाबार। तो देखो सिनाबार जब भी हमारे पास सल्फाइड ओर होता है, मैंने आपको क्या बताया था, सल्फाइड ओर है तो सबसे पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, पहला काम यही करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। देखो इसको अगर आप ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लोगे, इसमें सल्फर को इसको इसके साथ आप क्या करो, रोस्टिंग कर लो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इसका क्या बना लो, HGO बना लो, और यहाँ से आपका क्या होगा, SO2 बाहर निकल जाएगी। तो देखो इस ये HGO मिल गया हमको, मरकरी का ऑक्साइड मिल गया। अब हम इसको दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका ये है कि हम यहाँ से HGO में क्या मिक्स कर दें, ये HGS, ये HGS अगर हमने मिक्स कर दिया तो देखो फिर से ये भी एज अ रिडक्शन काम करेगा, और हमको क्या यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1 HG और 2 HG, आपको देंगे 3 HG प्लस S और O2 क्या देगा आपको, SO2। तो यहाँ से भी आप मरकरी का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरी प्रोसेस ये है कि ये जो HGO है ना, देखो मरकरी आपकी बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करना चाहती किसी से, तुम जबरदस्ती उसको ऑक्सीजन के साथ अगर बांध भी दोगे तो थोड़ा सा हीट करो और तुमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 HG प्लस O2 यहाँ से बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से भी हमको मरकरी मिल सकता है। तो इसके एक्सट्रैक्शन की हमारे पास दो प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू ओर एक्स एंड वाई वर टेकन ऑन हीटिंग दी ओर, इट वॉज ऑब्जर्व दैट, कि एक्स ओर है, मतलब हमारे पास दो ओर है, एक्स और वाई, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर हम एक्स ओर को हीट करते हैं, एक्स ओर को अगर हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होती है, ठीक है, CO2 रिलीज होती है, और जब हम वाई को हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, SO2 गैस रिलीज होती है। तो वो क्या बोल रहे हैं, राइट द स्टेप टू कन्वर्ट दीज ओर इंटू मेटल गिविंग द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन टेक प्लेस। देखो तो क्या करना है, हमको देखना है कि कोई भी अगर CO2 CO2 कब रिलीज करता है, CO2 वो तब रिलीज करता है जबकि वो कैसा हो, कार्बोनेट ओर हो। तो हम कोई भी बोल दे, कोई भी मेटल का अगर कार्बोनेट ओर होगा तो वो क्या करेगा, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस यहाँ से CO2 को रिलीज कर देगा। तो हमको मेटल का ऑक्साइड मिल गया पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन के लिए हमको क्या करना है, मेटल का ऑक्साइड जो है उसमें हम कार्बन डाल के क्या कर सकते हैं, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं और हमको क्या मिल जाएगी, मेटल। या फिर हम मेटल ऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड डाल के भी मेटल ले सकते हैं, यहाँ से CO2 आपकी रिलीज हो जाएंगे। तो जैसे ही CO2 रिलीज हो रही है आपको ध्यान रखना है क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बोनेट ओर, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है सल्फाइड ओर है, तो कोई भी मेटल का अगर सल्फाइड होगा वो क्या करेगा, मेटल का ऑक्साइड अगर हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे या हीट करेंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 बना लेगा। इस मेटल ऑक्साइड को सेम प्रोसेस से हम फिर से मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। देखो ये वाली इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, सेकेंड लास्ट जो था, जिसमें हमने पूरा डायग्राम बना के सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो ये वही क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया है। उसके बाद पूछा है कि हाउ द ब्रोकन रेलवे ट्रैक जॉइन, तो जो ब्रोकन रेलवे ट्रैक होते हैं उनको हम कैसे ज्वाइन करते हैं वो हमको यहाँ पे बताना है। तो देखो क्या होता है, अगर आप है ना आयरन का ऑक्साइड है जैसे Fe2O3, इसको आप किसके साथ रिएक्ट करो, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके हीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना लेता है, ये Al2O3 बना लेता है और यहाँ पे आपका आयरन मिल जाता है, क्या मिल जाता है, 2 आयरन मिल जाता है, यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा, बाकी सब सही है।
तो ये आयरन कैसा मिलता है आपको? ये मिलता है मोल्टन स्टेट में। कैसा स्टेट में मिलता है? मोल्टन स्टेट में। और ये मोल्टन स्टेट का जो आयरन है, यही हम किस पे यूज करते हैं? रेलवे ट्रैक को ज्वाइंट करने में, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में। और इस जो प्रोसेस है ना, ये जो बनता है, इसको हम बोलते हैं थर्माइट। क्या बोलते हैं? थर्माइट। और जो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने की जो प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्माइट प्रोसेस। उस प्रोसेस का नाम क्या है आपका? थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट ये आपको है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिखा हुआ है ये एक पेज पे कोने में। एनसीईआरटी के कोने की चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहीं से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन अमलगम? देखो अमलगम क्या होता है, तो अगर हम किसी भी मेटल का मरकरी के साथ मोल्टन फॉर्म ले लेते हैं, कोई भी मेटल हो, तो वो मेटल और मरकरी एक इस तरीके से मोल्टन स्टेट में रहती है, उसको हम बोलते हैं अमलगम। ठीक है, अगर आप इसकी जगह जिंक ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा? जिंक अमलगम, जो हम बहुत जगह यूज करते हैं। अगर आप इसके साथ सोडियम ले लोगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम अमलगम, जो भी हम बहुत जगह यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो व्हाट इज द गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मैंने आपको सिखाया है, क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? देखो गैल्वेनाइजेशन इस मतलब जब हम स्पेसिफिकली कोटिंग ऑफ आयरन, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन, अगर आप जिंक की कोटिंग करते हो आयरन के ऊपर, तो ये वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, नेम द एनोड एंड कैथोड यूज इन द इलेक्ट्रोलिसिस सेल टेकन। तो देखो एनोड क्या लिया था हमने, एनोड पे हमको इम्प्योरिटीज मिल रही थी, जिसको हमने एनोड मड बोला था। तो एनोड क्या था हमारा? एनोड था हमारा इम्प्योर कॉपर, और जो कैथोड था वो हमारा क्या था? प्योर कॉपर। क्या था? प्योर कॉपर। पढ़े हम समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाप रे बहुत सारा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ Al2O3 बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये हमने अभी किया। देखो Al2O3 में क्या होगा? Al2O3 कैसे टूटेगा? Al2O3 टूटेगा 2Al3+3O2-। तो यहाँ से तीन और एल्यूमिनियम क्या करेंगे? दो एल्यूमिनियम क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि एक एल्यूमिनियम कितने करेगा? 3। तो और 3 ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंड व्हेन, अभी हमको बताना है क्या रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद मिनरल एसिड। अगर आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल जो है वो ऊपर प्रेजेंट है, मतलब वो रिएक्टिव है, ठीक है, तो वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या करेगी? वो एसिड के साथ रिएक्शन करके खुद का तो सॉल्ट बना देगी और प्लस H2 गैस को लिबरेट कर देगी। ठीक है, दूसरा क्या है? An amphoteric oxide react with sodium hydroxide solution. जब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा नया है। अगर कोई amphoteric oxide होता है, amphoteric oxide मतलब जो कभी acidic भी हो सकता है और basic भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? अगर मान लो जैसे आपका ZnO है, ये amphoteric होता है, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे NaOH से तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा Na2ZnO3, मतलब ये है ना ऐसा जिंकेट बना लेगा। ठीक है, अगर आप स्टेनस से रिएक्ट करोगे, स्टेनस ऑक्साइड से, तो ये क्या करेगा? Na2SnO4 इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा। इसको हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट, इसको बोलेंगे सोडियम स्टेनेट। आगे समझ में? इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी इज ड्रॉप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। देखो क्या बोल रहे हैं कि आप में एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेट सपोज SO4 है, और ये जो मेटल है M1 है ना, और एक मेटल में डाल रही हूँ M2। ठीक है, आप वो बोल रहे हैं कि तुमने एक लो रिएक्टिव मेटल इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दी, इसमें डाल दी, बताओ कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ये लो रिएक्टिव है, कम पावरफुल है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। अ मेटल कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद एसिड। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, मैं हटाती हूँ कुछ कुछ। वो क्या बोल रहे हैं? अगर मेटल कार्बोनेट को तुम किस में डालोगे? एसिड में डालोगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कराओ?
एसिड के साथ करा तो क्या मिल जाएगा आपको? टू सी एस सी एल टू सबसे पहले तो सॉल्ट मिल जाएगा, उसके बाद देखो एच टू ओ यहाँ से क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। अब यहाँ से कैल्शियम चला गया, एक ऑक्सीजन चली गई, बचा क्या? सीओ टू, तो यहाँ से सीओ टू मिल जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन होगी आपको। इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा एक तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सीओ टू। अब जिस भी मेटल का इधर कार्बोनेट लोगे उसका उधर सॉल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर। देखो ये हम कर चुके हैं, कार्बोनेट ओर है, क्या करो सबसे पहले इसकी रोस्टिंग करो। रोस्टिंग करने के बाद क्या करो, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या करो, कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करना है, रिडक्शन। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगी, मेटल। ठीक है, ये हो गई इसकी पहला। हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर? एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप सपोर्टेड बाय केमिकल इक्वेशन, ड्रॉ द लेवल डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रही हूँ ना, ये 5-6 बार आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हम 3 बार देख लिया अभी इसी में, तो ये क्वेश्चन तो आपका है। उसके बाद देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉपर का सल्फाइड ओर से आपको रिफाइनिंग बतानी है। तो देखो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं हट जाती हूँ, फिर मैं ये वाला करवाती हूँ। देखो क्या होता है, सल्फाइड कॉपर का जो सल्फाइड ओर है वो होता है कॉपर पाइराइट, CuFeS2। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं, देखो सबसे पहले हमको इसको हीट करना पड़ेगा। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमको CuS मिलता है प्लस FeS मिलता है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स मिलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें डालते हैं SiO2। क्या डालते हैं? SiO2। ठीक है, जब इसमें आप SiO2 डालोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको ये जो है SiO3 जो फेरस की इम्प्योरिटी थी ना वो आपकी बाहर हो जाती है। वो कैसे बाहर हो जाएगी, वो यहाँ पे यहाँ पे आपको मिलेगा आयरन का ऑक्साइड। ठीक है, आयरन की ऑक्साइड है तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, FeSiO3 फेरस सिलिकेट। ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को कॉपर चाहिए ना, ये हमारे साथ इम्प्योरिटी आ रही है तो इसके लिए हम SiO2 डाल देंगे और ये यहाँ से अलग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी सेम प्रोसेस, इसको फिर से हम क्या करें, रोस्ट कर दें, तो ये CuO में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका हम क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, जब इसका आप रिडक्शन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। आगे समझ में? तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमने जो रिवाइज किया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी में थे, बस एक सोडियम जिंकेट वाला नया था। तो आपको हर टॉपिक का रिवीजन बहुत सीरियसली देखना है, क्योंकि सारे टॉपिक्स में जो अगर मैं रिवाइज कराऊंगी उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।